चाकसू के बड़ली गांव में बुधवार को कक्षा आठवीं की बच्ची पायल का मर्डर उसकी ही सहेली ने किया था। पुलिस की माने तो बुधवार को एग्जाम के वक्त एक दूसरी बच्ची ने पायल का पेन चुरा दिया। इस बात पर दोनों में झगड़ा भी हुआ, लेकिन कक्षा की अन्य छात्राओं ने उस वक्त तो मामला सुलझवा लिया, लेकिन परीक्षा के बाद पायल आरोपी छात्रा की शिकायत करने उसके घर चले। घर में कोई बड़ा नहीं था, वहीं पर दोनों में झगड़ा हुआ और दूसरी छात्रा ने पायल पर नुकीले सरिये से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। सुबह अचानक 7:30 बजे इस बालिका की डेड बॉडी गांव में ही थोड़ा सा पास में जंगल टाइप है और वहां एक छोटी सी दीवार बनी हुई है 2.5-3 फीट की, उस दीवार के पास में इसकी डेड बॉडी। पुलिस ने लाश बरामद करके जब तफ्तीश की तो मामला खुल गया। आरोपी बच्ची और शव को ठिकाने लगाने के आरोप में उसके माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया। अमित यादव, जी मीडिया, चाकसू।